दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। और हाँ, यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी वाली बात यह है कि 22 फरवरी 2024 मतलब आज का नोटिस है ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तरफ से जो है, ये आपने देखा उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षण है ना कि भर्ती हुई थी, आप सभी जानते हैं कॉन्स्टेबल भर्ती है ना, तो एग्जाम आउट हो गया था, तो पेपर जो आउट हुआ था उसके संबंध में एक नोटिस जारी कर दिया गया है ना। और यहाँ पर जो है ये लगभग जो है ये बताया गया क्या नोटिस में, बिल्कुल अभी का नोटिस ताज़ा ताज़ा है ये। और सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपने देखा, मैं ही देता हूँ, मेरे अलावा कोई यूट्यूबर अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, क्योंकि एकदम नज़र रखता हूँ मैं। और सीधा जैसे आउट होता तुरंत अधिकारी के द्वारा तुरंत एकदम से मैं एकदम डाउनलोड करके ऑफिशियल से और आपको दिखा रहा हूँ 22 फरवरी 2024। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये, और नोटिस में क्या लिखा गया है ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से यहाँ पर नोटिस है। ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के दिनांक जो है 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में विभिन्न जो है सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर जो प्रिंट मीडिया में कुछ प्रश्न पत्र के संबंध में जो है सूचनाएँ वायरल होने से खबर वो प्रकाशित हो रही है। और यहाँ पर बताया गया इसमें जो है इस संबंध में उन्होंने ये कहा है कि जनपदों को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। और यहाँ पर बताया गया अभ्यर्थी हो या सर्वसाधारण हो, कुछ सूचित किया जाता है इस विषय में यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना है तो जो प्रमाणों और साक्ष्यों के साथ साथ अपना प्रत्यावेदन, अपना जो नाम पता मोबाइल नंबर और आधार कार्ड अंकित करके जो है अपने ईमेल आईडी पर जो इसमें संबंध कर सकते हैं है ना। ये आपकी जो है पुलिस भर्ती बोर्ड की जो है ऑफिशियल कहने मतलब क्या है, वो ईमेल आईडी है यहाँ पर, ये यहाँ पे आप भेज दीजिए अपना जो है सब कुछ लिख के, और साक्ष भी भेज दीजिएगा कि आपके पास सबूत है कि जो है पेपर आउट हुआ है, है ना, अपना सब कुछ लिख के भेज दीजिए यहाँ पे जो है। और इसके बाद 23 फरवरी 2024 है ना शाम 6 बजे तक जो है ये आप भेज सकते हैं। अगर वास्तव में अगर एग्जाम आउट हुआ है और आपको लग रहा है तो वाले शख्स जो है आप भेज दीजिएगा, यहाँ पे बताया गया इसमें जो है 23 फरवरी 2024 शाम 6 बजे तक, ठीक है। बिल्कुल अभी का नोटिस है ये, किसी यूट्यूबर ने अभी तक ये नोटिस नहीं दिखाया और मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा, वायरल कर दीजिए इस खबर को जो है। और आप लोग जो खबर को जो है शेयर नहीं करते ज़्यादा से ज़्यादा से है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से जो है बोर्ड की तरफ से 23 फरवरी 2024 का ये भी देख लीजिए, यहाँ पे पुलिस यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पे जो वो नोटिस यहाँ पे आ चुका सोशल मीडिया पर, ठीक है। अब एग्जाम जो है एक तरीके से दोबारा होगा या नहीं होगा वो वाली बात की बात है, जब आपके साक्ष रखे जाएंगे हो सकता है कि जो है इसको जो है एक तरीके संज्ञान में लेके हो सकता है एग्जाम दोबारा कराया जाए, री एग्जाम, जिस तरीके से वीडियो 2018 भर्ती का एग्जाम दोबारा कराया गया था ई में है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है। और ज़्यादा जानकारी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर आके आप ले सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, लेने की जरूरत नहीं यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पर जो आप ये देख लीजिए यहाँ पर जो है ये बताया गया परियोजना अनुसंधान यहाँ पर जो है गैर चिकित्सा इसके बाद कार्यालय सहायक, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक पद है ना, दो दो पद यहाँ पर हैं ये, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे 25 फरवरी 2024 से पहले पहले इसके अंदर फॉर्म भर दीजिएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा के इस वाली ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा। यहाँ पर जो है ये उम्मीदवार केवल शॉर्टलिस्ट के द्वारा ही उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और TA DA नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो है ये भर्ती निकाली गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, ऊपर आएंगे यहाँ पर देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग है यहाँ पर जो है ये स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है ये। और अभी बिल्कुल नया सैलरी देख लीजिए 26,800 रुपये सैलरी मिलेगी है ना। और यहाँ पर जो है ऊपर आएंगे तो यहाँ पर जो आपका 56,000 रुपये इसमें आपको वो HRA वगैरह और 7100 ये आपको पूरी सैलरी मिलेगी 71,000 के आसपास। 35 उम्र है इसमें 25 साल उम्र है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा ब्यौरा यहाँ पे दे दिया गया है ये, और यहाँ पे जो है ये पूरा दिया, केवल 10th क्लास पास अगर आपने कर रखा है ना। क्वालिफिकेशन क्या है इसमें वो नीचे इंग्लिश में दे रखा है, आपने अगर आपने 10th क्लास अगर कर रखा है पास तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरिएगा। 26,000 रुपये सैलरी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये, और यहाँ पे देख ली इसमें एडेड कॉलेज के अंतर्गत ये अब चपरासी भर्ती आई थी आपका मुरादाबाद रामपुर बिजनौर अमरोहा संभल, चपरासी के साथ साथ स्वीपर की भी आई थी, वॉचमैन की भी आई थी, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट जो है इंटरव्यू की लिस्ट यहाँ मैंने अपनी जो है परसों की वीडियो में दिखा दी थी, और उन वहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पे मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं यहाँ पे लड़के जो है ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो है उन्होंने बताया कि सर मुझे जो है बिजनौर, अभी देख लीजिए बिजनौर से इंटरव्यू का जो है यहाँ पे जो कॉल आया है, ठीक है, मैसेज आया है, और जो है माध्यमिक विद्यालय के अंदर स्वीपर की वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो गए होंगे यहाँ पर जो है ये, इसके इंटरव्यू होगा, इसके बाद इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा इसमें जो है।
और देख लीजिए यहाँ पर जो है कल शाम के नोटिस में भी जो है कल शाम का वीडियो उन्होंने देखा हुआ, उन्होंने कहा है कि सर मेरा जो है मुरादाबाद का इंटरव्यू 23 फरवरी 2024 को बरेली में है और बुलंदशहर का हूँ। तो मतलब क्या है आप मुरादाबाद का भी है, तो आपने ओल्ड में अगर वीडियो नहीं देखा तो लिस्ट देख लीजिए, यहाँ पर पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है। ये जो है मेरे चैनल के द्वारा जो केवल इन्फॉर्मेशन सटीक इन्फॉर्मेशन दिया थी बिल्कुल प्रूफ के साथ दिया थी, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं लिस्ट दोबारा दिखा दूँगा, एडिट कॉलेज के अंदर आप चपरासी भर्ती जो निकाली गई थी उसका लिस्ट भी जारी हो गया था, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन इसमें देनी थी, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो है ये और आरओ और एआरओ को लेकर भी जो है ये बहुत जल्द इसका भी नोटिस जारी हो जाएगा जिस तरीके से पुलिस भर्ती बोर्ड ने जारी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है पेपर लीक के साथ यहाँ पर जो है लड़के डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे थे कि दोबारा इसमें एग्जाम कराया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप ये जो है वो देख सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर जैसे वो इन्फॉर्मेशन की भर्ती आपका ऐसा निकलना है, कोई सूचना है आपको सूचना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल के प्लस। थैंक यू वेरी मच।